थोड़ी बाकी में रहना वो अलग था, वो अलग पढ़ी होगा मेरे कुछ मेरी माइग्रेंट है ना उसे जो खड़ी है उसे तुझे के किताब चाहिए। अच्छा ऑटो पर आप सो तुम दसो कोई प्रॉब्लम है बनाई सब तो पहला पूछना यह है कि किन्नी आंगनबाड़ी सेंटर हैं इन्हें पानी की टूटियाँ लगी या नहीं जिसे को नहीं लगी वो लगा दियो नहीं लगी वो लगा दें ठीक है मैं पीएचडी वाले को तुम डालो इसी तरह टूटी लगा के पानी के बिल में टूटी लगती है ठीक है पीएचडी वाले की तरह गर्मी थी टूटी लगती है। बाकी राशन जो है राशन अगर किसी पूरा नहीं मिल रहा है या कोई कमी आती या बच्चे ज्यादा हैं या बच्चे नहीं आते हमने इसलिए कॉल की कि आप देखें बरसात का मौसम है तो नहीं लोगों के घरों में पानी वगैरह दूसरा तीसरा ये हमारी बाड़ी वर्कर्स हैं सुपरवाइजर हैं उनको भी थोड़ा पता होता है कहाँ की सीज क्या है। कई लोग झूठ भी बोलते हैं कि हमारे घर में पानी आ गया तो इसे हमें वो फीडबैक लेनी थी। दूसरा इनकी जानकारी के लिए कि हम ये जानना चाहते थे कि हमारे इलाके में कितनी जो लड़के हैं लाडली स्कीम है या जो स्कीमें लागू हैं उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस सिलसिले में हमने ये मीटिंग एमरजेंसी रखी थी प्रसाद। ऐसे तो हम हर मंथली इनकी मीटिंग रखते हैं और सारा कुछ डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज देखें कि मुझे लगता है कि सरकार टोटल फेल हो चुकी है। सबसे पहले तो हमने इनसे अपील की कि आने वाली जो तीसरी लहर है उसका मुकाबला करें लोगों को थोड़ा अवेयर करें सरकार की उम्मीद मत रखें। आप देखें जैसे हमारा पूरा आरस पूरा है छत्तीसगढ़ है कृष्णा है पूरा जम्मू की बात करता हूँ मैं लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है लगाने के लिए ये बेचारियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी क्या करेंगी लोगों को लगा कहीं आरसपुरा में आज देखें लोग सेंटरों में जाते तो एक तरीके से जाते हैं फिर आते हैं छः छः चक्कर लगाते हैं उनको टीकाकरण नहीं हो रहा उनका। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि वैक्सीन जो है वो पूरी की जाए ताकि लोगों को वैक्सीन पूरी मिले ताकि जो तीसरी लहर आ रही है हम उसका मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ आप ये देखें कि सरकार केवल टोटल फेलियर है। आप देखें हमने कहें कांग्रेस पार्टी के सब वर्गों ने मिलकर आए दिन तकरीबन हम पिछले लगातार साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज देखें राशन कितना महंगा हो चुका है महंगाई कितनी पेट्रोल बढ़ गया राशन बढ़ गया।